राजीव गांधी युवा मित्र योजना को बंद होते ही आंदोलनरत युवा शहीद स्मारक में डटा हुआ है। 50 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया है और आज चौथा दिन है, बुधवार से शुरू हुआ था। तमाम प्रदेश के तमाम जो अंचल हैं वहाँ से बेरोजगार हुए युवा पहुँचे हैं और लगातार कड़ाके की ठंड में यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। अभी तक इनको परमिशन नहीं मिली है, बावजूद इसके ये उम्मीद जो लगाए हैं वो लगातार बरकरार हैं। सरकार से, शासन से, प्रशासन से जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं पूरे धरने प्रदर्शन को, वो मरसात हैं। हम दिखाना चाहेंगे और हम बात करना चाहेंगे उनसे। प्रदीप जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि किस प्रकार देखते हैं पूरा माहौल को, क्योंकि चौथा दिन है आज, 50 घंटे ज़्यादा समय हो चुका है। हम तो आस लेके बैठे हैं सरकार से और धरने में यही होता है कि भाई सरकार हमारी सुनेगी, बुलाएगी। कम से कम सरकार से हम इतनी उम्मीद है कि एक बार बुलाकर हमारी बात तो सुने, हमारी बात सुनो, हमें थोड़ा टाइम दो। उसमें कुछ आपको नहीं मिलता, रिजल्ट नहीं निकलता है तो फिर आप कार्रवाई करो। ऐसे एक आदेश के साथ सारों को ज़िंदगी ख़राब करना कोई अच्छी बात नहीं है। सरकार से इतनी उम्मीद है कि सरकार हमारी बात सुने, क्योंकि उम्मीद भी दुनिया कायम है। तो सरकार से उम्मीद है कि आज हमें परमिशन भी मिल जाएगी और सरकार, कैबिनेट का गठन हो गया तो कैबिनेट गठन होने के बाद सरकार हमारी भी बात सुनेगी और फर्स्ट कैबिनेट में ही हमारा फैसला होगा, ऐसी हम सरकार से उम्मीद करते हैं। सवाल एक आपसे ये भी बनता है कि प्रतिनिधिमंडल बना दिया गया था आपके धरने प्रदर्शन का जो संगठन है उसका, बावजूद इसके आपकी परमिशन नहीं मिली है। लगातार उम्मीदें हैं लेकिन आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिल रहा। नहीं, कुछ नहीं मिल रहा। हम तो डेली ऑफिस में चक्कर काट रहे हैं, सुबह शाम जाके आते हैं तो वो बोल रहे हैं शाम को देंगे, सुबह देंगे, शाम को देंगे, सुबह देंगे, ऐसे ही 4 दिन निकल गए। और ये सारे गरीब बच्चे, अगर हमें परमिशन मिल जाए तो हम यहीं रह ले, अगर नहीं तो फिर होटल में जाते हैं, 1000 रुपये वहाँ खर्चा हो जाता है। और ये कोई पैसे वाले होते तो इतने 17,500 की नौकरी की भी जरूरत नहीं थी, यहाँ धरने पे आते भी नहीं। तो सरकार से हाथ जोड़ के इतनी रिक्वेस्ट है कि पहले तो हमें परमिशन दे, और परमिशन नहीं दे तो भी चले, हमारी मांग मान ले, बस काम खत्म। तो इसलिए हम इतना ही चाहते हैं कि सरकार हमें बुलाए, हमारी मांग माने, हमें एक लीगल तरीके से परमिशन दे, इसलिए कि बच्चे यहाँ बैठ सके, यहाँ रह सके, हमारा कोई अतिरिक्त खर्चा ना हो, हमें आर्थिक बोझ के नीचे भी नहीं दबना पड़े। इतनी मेरी सरकार से निवेदन है। एक अंतिम सवाल आपसे ये था कि भाई अगर आपकी मांगें नहीं मानी गई, परमिशन नहीं मिली, आपकी बहाली नहीं की गई, तो संघ का जो आगे की रणनीति है वो किस प्रकार रहने वाली है? संघ की रणनीति यही है कि जब तक हमारी बयानी नहीं होगी तब तक गांधीवादी तरीके से हम सरकार से उम्मीद लगा के बैठे रहेंगे जब तक हमारी बहाली नहीं होगी। और फिर भी नहीं होगी तो फिर आगे की रणनीति सारी जो बनाई है कार्य समिति वो बैठ के तय करेगी। बिल्कुल, जो कार्यकारिणी है उन्होंने गठन कर दिया है, जो संगठन जो यहाँ पे मौजूद है लगातार धरना प्रदर्शन दे रहा है अपनी मांगों को बहाली के लेकर, उन्हें साफ चेतावनी दे दी है कि गांधीवादी तरीके से हम आंदोलन करेंगे। आज मंत्रिमंडल के गठन के बाद में उनको उम्मीद है कहीं ना कहीं परमिशन मिलेगी धरने की और उनकी मांगों पर सहमति बनेगी, और जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है, डबल इंजन की सरकार जो बनी है राजस्थान में, वो कहीं ना कहीं इनकी मांगों को लेकर पुनर्विचार करेगी, शायद बहाली भी हो सकती है। कुछ युवा सर कहाँ से आए आप? भरतपुर से ही आए, पर हमें नहीं लगता ये गरीबों की सरकार है, क्योंकि गरीबों की सरकार, हमारे युवा मित्र का उद्देश्य क्या था कि गरीबों को जो लाभ दिलाना, जब गरीबों को ही हम लाभ नहीं दिलवा पा रहे हैं है, और ये टोटल 5,000 है, वो भी गरीब परिवार से हैं, 5,000 ये गरीब हो गए, जिनको लाभ दिलवा रहे थे उनको भी कोई लाभ नहीं मिला, तो फिर फायदा क्या? ये टोटली अमीरों की सरकार है, कुछ भी नहीं करने वाली है ना। अगर गरीबों के, अगर हित के बारे में सोचती तो 5,000 युवा मित्र जो गरीबों तक उनकी योजनाओं को ले जा रहे हैं उनके बारे में नहीं सोच रही है, तो उससे ज़्यादा क्या सोचेगी? आप ही खुद सोचने लायक कदम है ये कि ये केवल किसके लिए काम कर रहे हैं? गरीबों के लिए। जब हम गरीबों के लिए, आज 90% आबादी इंडिया में गरीब है ना, और राजस्थान में भी 90% ऐसे गरीबों के, जब हम हेल्प कर रहे हैं, जब उनकी सरकार नहीं हो रही है तो किस गरीब की सरकार होगी? कहाँ तक योजना पहुँचेंगी और कहाँ तक हम लाभ दिलाएंगे? चाहे वो सिलेंडर हो, चाहे कोई उज्ज्वला योजना हो, कोई सी भी हो, चाहे गेहूँ योजना हो, 5 किलो गेहूँ से किसी का भी घर का खर्चा नहीं चलता है, ये बात आपको पता है। और हम 5,000 युवा बेरोजगार किए हैं, तो 5,000 युवा बेरोजगारों का कहाँ तक लाभ पहुँचेगा? उनके घर कैसे चलेंगे? सभी यहाँ पे धरने प्रदर्शन के, धरने की परमिशन नहीं दी, ये इस तरीके से घर थोड़ी ना चलेगा किसी का भी। कोई आम आदमी है परेशान होकर, आज यहाँ पे लेडीज भी हैं और जेंट्स भी हैं, परेशान हो रहे हैं बेचारे, भूखे प्यासे, इनके बच्चे भी रो रहे हैं। शर्म आनी चाहिए सरकार को। मैं बस इतना कहूँगा कि अगर सरकार में थोड़ी सी भी गरीबों के लिए हितैषी हो सरकार,
तो इनके पहले 5000 को लगाए और जिससे वो योजनाओं का लाभ गरीबों तक पहुंचा सकें। क्या रणनीति रहने वाली है? बाल लगाने आर वाई एम की आपकी मांग नहीं मानी गई तो क्या रणनीति? मांग नहीं की गई, पहले हम गांधी विचारधारा से काम कर रहे हैं कि शांति से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर आर वाई एम को बहाल नहीं किया गया तो हम ऐसा नहीं है कि हमने गांधीवादी विचारधारा धारण कर रखी है। हम भगत सिंह का भी खून हमारे उबाल है। सीधी सी बात है कि हम कुछ उग्र प्रदर्शन भी करेंगे, क्या पता कि हम आग लगाएं या कुछ और करें, है उससे बढ़िया है कि हम गांधीवादी विचारधारा से हम चाह रहे हैं कि हमारा भी बढ़िया हो और गरीब परिवारों का भी बढ़िया हो, तो हम गांधीवादी विचारधारा पे ही अभी काम कर रहे हैं। गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित होकर इन्होंने धरना प्रदर्शन किया है और गांधीवादी जो नारा है अहिंसा परमो धर्म उसको ये फॉलो कर रहे हैं, लगातार उनके ताल कदमों पर चल रहे हैं और जो अपनी मांग है वो शांतिपूर्वक धरना से प्रदर्शन के जरिए बताने की कोशिश की जा रही है। जैसे भी सरकार को समझ आए, कुछ युवा और भी हैं। सर कहाँ से आए आप? सर मैं जैसलमेर से आए, मैं जैसलमेर बॉर्डर से, जो अंतिम छोर है जहाँ कोई नहीं पहुँचता, हम वहाँ जाके घर को जैसे गरीब है, पिछड़े है, जो बिल्कुल अंतिम पंक्ति में बैठे उस व्यक्ति तक हम पहुँचने का प्रयास करें, उनको घर घर जाके योजना बताए और हमको एकदम एक लाइन में कह दिया था आपकी भर्ती को निरस्त किया जाए कि जब तक हम मरेंगे नहीं, जब तक हम हटेंगे नहीं, बस एक लाइन में कह दे आपको निकाल दे। हमने 18 महीने पिछले काम किया, हमारे जो हमारे संगठन बना है आर वाई एम उसके जो मांगे हैं उनको पूर्ण करें, उसके अलावा हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। बिल्कुल युवा लगातार जो अपनी मांगों को लेकर अड़ी गए और धरने प्रदर्शन की जो यहाँ पे चल रहा है उसको लेकर भी आंदोलन करने की बात कह रहे हैं। परमिशन अभी तक नहीं मिली है इनको यहाँ पे रात को रुकने की, धरना देने की। तमाम जो प्रदेश के विभिन्न जिलों से युवा आया हुआ है वो लगातार यहाँ पे धरने पे बैठा है। कहाँ से आए सर आप? सर मैं नागौर से आया हूँ। क्या पूरा मामला है, कब तक यहाँ पे डटने का विचार है आपका, क्योंकि अभी तक आपको परमिशन भी नहीं मिली है? सर जब तक हम यहाँ हटेंगे नहीं तक हमें बाल नहीं करेंगे, पहली तो बात ये है। और हमने जमीन स्तर पर लेकर हर एक बैक फुट पर जो व्यक्ति है ना उनका हमने हर एक योजना जोड़ा है और लाभ भी पहुँचाए। जो खाद्य सुरक्षा का जो उस टाइम जो काम जो फॉरम अप्रूव हो रहे थे तो मैंने आम आदमी का मेरे जेब से तेल बाल कर SDM ऑफिस में ले जाकर 170 जना का गेहूँ चालू करवाया मैंने और 29 जनों का चिरंजीव दुर्घटना बीमा पास कराया। संकल्प यात्रा उसमें भी हमारी ड्यूटी लगे, कल भी मेरी ड्यूटी, मेरा जो ब्लॉक है वहाँ ड्यूटी लगी हुई, आज भी किसी युवा मित्रों की 31 तारीख तक हमारी ड्यूटियाँ भी लगे रहे तो भी लगा के और 1 तारीख से आपको निकाल दिया जाता है। और हम केंद्र की योजना भी भाई बता रहे थे जो जैसे PM किसान सम्मान निधि, मैंने 148 जनों के फार्म अप्रूव्ड कराए थे PM किसान सम्मान निधि योजना से। सबसे ज़्यादा पूरी राजस्थान में हमारे ब्लॉक ने काम किया है, मुंडा ब्लॉक नागौर के अंदर पूरी राजस्थान में सबसे ज़्यादा किया हम लोगों ने काम। सरकार से हम यही विनती करते हैं कि एक बार हमारी तरफ गौर करो, जो RYMP उनको एक बार बहाल कर दो और 3 महीने का अल्टीमेट देकर हमें चेक कर लीजिए आप कितने काम कर रहे हो कितने नहीं कर रहे हो, फिर हमें अगर रिपोर्ट के अनुसार आप जो भी कहेंगे हम मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारा काम भी देखो, आम जन भी खुश है। यह भी हमें कह रहे हैं कि गांव के लोग कह रहे हैं आप सरपंच का चुनाव लो, हम आपको वोट दे देंगे, आप लोगों ने हमारे लिए इतना काम किया तो ठीक है जी। हमारी देखिए सरकार के साथ एक ही मांग है कि भाई सरकार ने जो डिसीजन लिया है ना बहुत ही आनंद फानंद के अंदर लिया है। सरकार को कम से कम हमें भाई 3 महीने हमें देखना चाहिए था कि भाई हमें किस तरीके से कार्य करता है, कम से कम उसके आधार पर वो हमें बोल सकते थे भाई आप काम नहीं करो इसलिए हम आपको हटा रहे हैं। अभी सरकार ने जिस तरीके से हमें हटाया है ना उसका आधार क्या है, सरकार ने किस आधार के ऊपर हमें हटाया है, सरकार इसका जवाब दे सकती है क्या? इसका कोई आधार नहीं है सरकार के पास। तो हम तो यही कहना चाहते हैं सरकार हमें भाई एक बोलते हैं ना डेमो, आप हमें 3 महीने ट्राई कर लीजिए, उसके बाद में अगर सरकार हमें हटाती है भी आप काम नहीं करे हो हम आपको हटाएंगे तो हटा सकती है, उसके अंदर हम भी ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे। लेकिन सर ये कौन सा मुद्दा होता है कि भाई अगर आपका मंत्रिमंडल भी नहीं बना है, अभी आपकी सरकार भी नहीं बनी है, आप आकर सीधा डिसीजन ले लेते हो, है ना? तो सरकार को हमारे बारे में सोचना चाहिए। हमारी सरकार से यही डिमांड है कि भाई बेरोजगारी को और ज़्यादा ना बढ़ाए, और बेरोजगारी जैसा आपको पता ही है वैसे भी बहुत ज़्यादा है, 5000 और ज़्यादा बेरोजगार हो जाएंगे। सरकारी नुमाइंदों का तर्क है कि अभी मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ है तो इसलिए आपकी मांगों पर सहमति बनना अभी संभव नहीं है, बाद में थोड़ा सा 2-4 दिन बाद में मंत्रिमंडल गठन आज होने जा रहा है उसके बाद में आपकी मांगों पर सहमति बनेगी या विचार होगा, क्या कहेंगे आप? जी मैं इसका जवाब इस तरीके से देना चाहता हूँ कि अगर मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है तो हमने भी कौन सा उग्र प्रदर्शन किया है? हम अभी शांति से यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, हम जैसा भी हम कर सकते हैं, हम भाई नेताओं से मिल रहे हैं या जैसे भी हम कुछ कर सकते हैं हमारी तरफ से वो हमारी तरफ से हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमने अभी ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया कि जिससे सरकार को हमारे ऊपर शर्मिंदा होना पड़े। युवा है
ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहता जिससे कि युवाओं के भविष्य के साथ कोई बड़ी ट्रेजडी हो, या फिर ये उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि कहीं ना कहीं युवा है वो आक्रोशित है और आंदोलन को मजबूर है। सर कहाँ से हैं आप? मैं सर भिलवाड़ा ज़िले से हूँ। मैं यही कहना चाहता हूँ डबल इंजन की सरकार से, जो अभी ये नए राजीव गांधी युवा मित्र लगे उनको 3.5 महीने हुए हैं और वो अलग अलग फील्ड में जॉब भी कर रहे थे। कोई कंपनी में मैं जॉब कर रहा था, किसी की सैलरी 20-30 हज़ार थी, तो वो इसमें राजीव गांधी युवा मित्र में जब लगे तो ये सोच के लगे कि हमारा भविष्य सुरक्षित हो सकता है, तो आज उनको 3.5 महीने में ही बेरोजगार कर दिया है। तो मेरा कहना ये है कि अब वो क्या करेंगे, जहाँ काम कर रहे थे वहाँ भी रोजगार गया, और या राजीव गांधी युवा मित्र में जो लगे हैं यहाँ से भी रोजगार ये खारिज कर दिया है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ 5,000 जो भी युवा मित्र है उनको वापस लगाया जाए, और मेरी यही है सरकार से मांग। बिल्कुल, लगातार मांग कर रहे हैं युवा, और साफ साफ कहना है कि कहीं ना कहीं सरकार भजनलाल जो सरकार बनी है डबल इंजन की, उसको अपनी जो ये जो फैसला लिया है इनको राजीव गांधी युवा मित्रों को उठाने का, उस पर पुनर्विचार करके उसको बहाल किया जाए, और साफ साफ चेतावनी दी है सरकार को कि यदि इनकी मांगों पर सहमति नहीं बनी तो ये आंदोलन को उतारू हो जाएंगे, सड़कों पर उतरेंगे, रोड जाम करने की चेतावनी दे दी इन्होंने। अब देखने वाली बात यू होगी कि कहाँ तक सरकार इनकी मांगों पर सहमति बनाती है, पुनर्विचार करती है या नहीं। कैमरा पर्सन संजय शर्मा के साथ संदीप अग्रवाल, द नगरी मीडिया, जयपुर।